कुसुम दीदी घरे बानी। आ भैया घरे बानी, आवतानी। प्रणाम भैया, घरे सब कोई कुशल मंगल बानू भैया? सब ईश्वर की कृपा बा दीदी, समाचार सब ठीके बा। भैया अपने कैसे कैसे आनी? अच्छे दीदी, तो आज करेले के बीज उपचार के तरीका हम सीख ले। रुआ रुकी भैया, हम घर से सारा सामग्री लेके आओ तनी। तो हम रुको तनी, रुआ सब सामग्री लेके आई। अच्छे दीदी, तो हम करेला के बीज उपचार तो सीखबे करब, ओकरा से पहले रुआ अपन परिचय दे देती। हाँ भैया, हम अपन परिचय दे रहल बानी। हमार नाम कुसुम देवी है, घर बरगजवा है, विष्णु जीव का स्वयं सहायता के सदस्य बानी, पंचायत कुंडीरपुर आ प्रखंड नरकटियागंज है। करेला के बीज उपचार कर में इतना सामग्री लागेला, हई बा 50 ग्राम करेला के बीज। हई बा 25 ग्राम मीठा। हई बाटे 25 ग्राम केचुआ खाद। भैया 5 ml है गौमूत्र। हई बा 5 ml बीजामृत, एकरा के बीज में डलला से पौधा में फफूंदी ना लागेला। हाई बा 100 ml सुसुम पानी। दीदी सब कुछ तो बताइबे कनी, ई सुसुम पानी का है खातिर दीदी? बीज के जगावे खातिर सुसुम पानी मिलावल जाला भैया। हाय देखी भैया, बीज के छाने खातिर एगो सूती कपड़ों की जरूरत लागेला। मीठा मिलेला से पोषक तत्व और बाकी जन तत्व बनू सबके पूर्ति हो जाला। केचुआ खाद बीज उपचार में ई खाए खातिर दीदी? भैया केचुआ खाद से बनल बनावल भोजन के पूर्ति हो जाला। गौमूत्र से का फायदा होला दीदी? भैया गौमूत्र मिलेला से बीज रोग मुक्त हो जाला और कीटाणु से लड़े के क्षमता बढ़ जाला। अब हम बीज उपचार करे के शुरू कर तनी। देखी भैया, अब सुसुम पानी में बीज के मिलावा तनी, बढ़िया बीज नीचे बैठ जाई आ खराब बीज ऊपर तैर जाई। हाँ जो तैर तब बीज वो खराब एकरा हम हटा देता नी। देखी भैया, हई बा खराब बीज, हई केचुआ खाद, एकरा हम मिलावत तनी। अब भैया अब हम केचुआ खाद मिला दिल बानी, अब हम मीठा मिलावत तनी। हई बा गौमूत्र, एकरो हम मिलावत तनी। अब एकरा के 24 घंटा फूले खातिर छायादार जगह घर में रख दो जाई। रउआ 24 घंटा के बाद याने कल ये टाइम में अपने चले। ठीक बा दीदी, तो रउओ जाई, हम यो अब घरे अपना जाता नी। कुसुम दीदी घरे बानी? हाँ भैया घर ही बनी, हम आवतनी। अपने के तो बड़ी टाइम पर आ गई बनी। आई चल बैठी, आगे के विधि हम बताओ तनी अपने के। या अब बीज के 24 घंटा हो गई बा, अब एकरा हम छान लेता नी। Thank you.
अब एक तनि भरका देवे के बा, तब एमे बीजा अमृत मिलावे के बा। एकरा प्रक्रिया पूरा हो रहल बा, एकरा के 48 घंटा अंकुरे खातिर भूसा में रखे के पड़ी। दीदी ये भूसा में काहे खातिर रखे? भूसा में रखल जाई तो जल्दी अंकुरित हो जाई भैया। बीज उपचार कैला से कौन कौन लाभ होला दीदी? बीज उपचार कैला से बीज जल्दी अंकुरित हो जाला और ई रोगो ना लागेला भैया। दीदी कौनो सावधानियों रखे के बारे में? भैया पानी केवल सुसुम होके के चाहिए। अच्छे दीदी तो इहो बहुत बड़का काम बा। अच्छे दीदी तो किसान दीदी भैया लोग के कौनो संदेशो देवे के बा? हाँ भैया, सब किसान दीदी भैया बीज उपचार करके लगाई, अधिक उपज हुई तो अधिक लाभ होई। तो रउआ हमरा के करेला के बीज उपचार करके हमरा के बहुत तरीका बतौनी और समझौनी, एकरा खतरा के दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।